हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं अमित और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज है ट्यूटोरियल नंबर 8 ऑफ द सीरीज़ लर्न क्यूबिस 10.5 इन हिंदी। और आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इंस्पेक्टर विंडो के बारे में कि इंस्पेक्टर विंडो में हमें क्या क्या कंट्रोल्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर है उसमें। ठीक है, तो मैं सीधे खोलता हूँ क्यूबिस और आपको चीज़ें प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो गाइज़, ये खुल गया क्यूबिस। मैं सबसे पहले एक ट्रैक इम्पोर्ट करूँगा ताकि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने एक पियानो ट्रैक ले लिया। अब इसके इंस्पेक्टर विंडो ये खुल गया। इसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर विंडो। अब यहाँ पे ज़्यादातर तो कंट्रोल यही होते हैं जो कि हमें इसमें मिलते हैं, जो कि मैंने बता रखा है पहले से, म्यूट, सोलो, ये रिकॉर्डिंग एंड ऑल। इसमें एक चीज़ यहाँ पे मिलता है, फ्रिज ऑडियो चैनल। ठीक है, अब फ्रिज ऑडियो चैनल होता क्या है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना और मैं इसको ओके करता हूँ, तो इससे होगा क्या कि जितने इसमें इफ़ेक्ट लगे हैं ना वो सब फ्रीज हो जाएंगे। वो VST से निकाल के उनमें से इफ़ेक्ट, और जैसा आउटपुट बन रहा होगा वैसा हमारा कंप्यूटर सेव कर लेगा और जब हम प्ले करेंगे वो प्ले हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि वो सेव करके उसको रेंडर करके अपने पास रखा हुआ है और जब आप प्ले करें तो वो सीधे प्ले कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से जब ये जितनी प्लगइन्स आपकी लगी हैं, आप नॉर्मली प्ले करते हैं तो वो प्लगइन जाती है, वहाँ से इनपुट उसमें डालता है, सिग्नल डालता है, फिर आउटपुट आता है, फिर हमें सुनाता है, तो कंप्यूटर पर जोर जाता है, उससे क्लिपिंग, डिस्टॉर्शन, हैंगिंग, क्रैशिंग, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे हम कर देते हैं तो वो चीज़ फ्रीज़ हो जाती है कि वो चीज़ें अपने पास ले कर रखता है और आपको आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सिस्टम है लॉक वाला। मैंने लॉक पे क्लिक किया और कंप्यूटर जी ने इस पे ताला लगा दिया। ठीक है, मतलब इसको आप मूव नहीं कर सकते। कभी कभी होता बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हमने बनाया तो एक्सीडेंटली कभी इधर उधर हो जाता तो सारा गड़बड़ा जाता, तो हमें इसको लॉक करके रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ से आप सेम जो काम यहाँ से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कलर पूरे ट्रैक का चेंज कर सकते हैं। मैंने अगर रेड लिया, रेड हो गया, मैंने ये लिया, ये हो गया। ओके, इसके बाद आते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं अगर प्ले करके वॉल्यूम कम ज़्यादा करूँ ठीक है, यहाँ से आप इसको लेफ़्ट राइट पैन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमने रिकॉर्ड किया और थोड़ी सी लेटेंसी आ जाती है मिलीसेकंड में, तो यहाँ से हम उस लेटेंसी को कंपनसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से दिखा रहा है कि कहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है, स्टीरियो इन से, स्टीरियो आउट से आ रहा है और जा रहा है, जो कि मैंने ट्यूटोरियल 1 में दिखाया था जब मैं आपको बस के बारे में समझा रहा था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसको देख लीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे इसको। इसके बाद आते हैं दूसरा, इसमें ट्रैक वर्जन। अब ट्रैक वर्जन्स में क्या होता है कि एक्चुअली इसका तो मल्टीपल यूज़ है, लेकिन मैं एक यूज़ आपको बताता हूँ कि जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर होता है वो कन्फ्यूज़ रहता है यार कि इसमें मैं ये मेलोडी यूज़ करूँ कि ये मेलोडी यूज़ करूँ। जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं एक मेलोडी बना लेता हूँ पहले, ठीक है, मैंने एक मेलोडी बना ली, मैं इसको करता हूँ क्लोज और यहाँ पे मेलोडी आ गई। मैं प्ले करके सुनाता हूँ आपको। अब अगर म्यूज़िक प्रोड्यूसर को लग रहा है कि ठीक है मेलोडी ये ठीक ठाक है लेकिन मैं इसे शायद अच्छा बना सकता हूँ, ठीक है, तो वो ट्रैक वर्जन खोला, यहाँ पे एक वर्ज़न और लिया, न्यू वर्ज़न पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया और ये वर्ज़न 1 यहाँ पे चला गया। ठीक है, वर्ज़न 2 मैंने लिया और यहाँ पे मैं दूसरी मेलोडी बनाया। ठीक है, मैंने मेलोडी बनाया, मैं इसको करता हूँ क्लोज़। अब यहाँ पे दूसरी वाली मेलोडी आ गई, तो जब वो बाकी सारे काम कर चुका है तो यहाँ पे 2 बना के रखा। अब वो डिसाइड कर सकता है कि भाई मैं ये लगाऊं कि ये लगाऊं, ये लगाऊं कि ये लगाऊं। ठीक है, इसलिए होता है ट्रैक वर्जन्स। और भी बाकी इसके काम होते हैं, फिलहाल ये काम मोस्टली लोग इसी के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद कॉर्ड में बताने लगा कुछ है नहीं। और यहाँ पर आपका एक मिनट, यहाँ पर आप EQ लगा सकते हैं। ये सेम वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, ये जो EQ है ना यहाँ पर वही EQ है, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये इंसर्ट आपका जो कि मैंने यहाँ से बताया था, ठीक है, तो जो मैं इस पर इफेक्ट लगाऊंगा वो यहाँ पे शो करेगा, वो सेम चीज़ है। एक्चुअली इसका शॉर्टकट यहाँ पे सारी चीज़ें, सैंड वाली चीज़ जो है वो यहाँ पे है, फेडर वाली चीज़ है यहाँ पे है, ठीक है, और क्विक कंट्रोल्स अभी फ़िलहाल ये एडवांस चीज़ है, तो ये आपको बाद में मैं बताऊँगा। और कुछ इंस्पेक्टर विंडो में नहीं है। ठीक है, तो यही था, बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल था, लेकिन इंस्पेक्टर विंडो के बारे में मेरी जिम्मेदारी थी आपको बताना, इसलिए मैंने बता दिया इसके बारे में।
और एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट ट्रैक लिए हैं और यहाँ पे जाते हैं, तो अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, जैसे मैंने कीज़ोन क्लासिक लिया, मुझे और दूसरा कोई लेना, तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ से मैंने ले लिया कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने ले लिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया चेंज। मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, मैं ले लेता हूँ इसका वर्जन 1 पहले। अगर वर्जन 2 लेता हूं तो ठीक है। तो गाइस आज का ट्यूटोरियल यहीं तक है और मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि जितना बताना था मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। और अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर लविंग माई वीडियो। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।